जैन चौधरी आज नंदगांव में आई हूँ सर, जानते क्या कहते हैं आज आप यहाँ? माफ कीजिएगा, एक बार इन सबकी आईडी ले लें तब बेटर है। यस, क्योंकि दो मीटिंग और लग रही बहुत दूर दूर। हाँ जी जैन जी, आज नंदगांव में आए गठबंधन प्रत्याशी के प्रचार में, इस समय क्या माहौल है यहाँ पर, क्या कहेंगे अपने गठबंधन को? माहौल पूरे प्रदेश में जबरदस्त है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग सकारात्मक राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं, और मैं और अखिलेश दोनों नौजवान हैं, दोनों जो आधुनिक बात है, आधुनिकता से जुड़ी जो बातें हैं, किस तरह से समाज को हम आगे ले जाएं तरक्की की तरफ, विज्ञान की बात, शिक्षित बात, उन बातों को हम कह रहे हैं। जबकि विरोधी लोग जो सत्ता में हैं, जिन्होंने ना तो सड़क बनाई, ना सस्ती बिजली दी, ना समय पे खाद किसानों को दिया, ना ही उनकी सरकार में मूल्य मिला किसानों को, ना नौकरी मिली, वो कह रहे हैं जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान, जो उत्तर प्रदेश का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अब तो उन्होंने बिजली आधी कर दी है चुनाव से पहले। अब 5 साल वसूली है, जो 5 साल उन्होंने वसूली है क्या वो वापस करेंगे? महंगाई इतनी ज़्यादा है, गैस के सिलेंडर बांट दिए, वो दोबारा भरे नहीं जा रहे। भैया 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो ना तो सपा को एक भी सीट जीत पाई, ना ही आरएल। हर चुनाव अलग होता है, की सीट पे आप क्या कहना चाहेंगे? हर चुनाव अलग होता है, हम बिल्कुल भी पिछले नतीजे को लेकर भी मायूस नहीं रहे, लगातार हम पब्लिक के बीच रहे, हाथरस प्रकरण में सबसे पहले गए, लाठियां खाई, किसान के मूवमेंट में लगातार हमारे कार्यकर्ता ने सहयोग किया, इन बातों को भी जनता देखती है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दो बहरूपिया घूम रहे, उनका बैकअप भी बना है। मुझे आप कुछ ही कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहती है अगर गठबंधन की सरकार आती है तो जैन चौधरी को एक तरफ हटा दिया जाएगा, आजम खान मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ना जाने बीजेपी वाले मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, कब से करने लगे। धन्यवाद जैन जी, एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, 2018 में योगेश नौबार जो पूरी तैयारी करके आए, छोटे से मत से हारे, उनको कैसे हटा दिया? नहीं, छोटे मत से हारे थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा है उनका, और पूरी ईमानदारी से वो लगे हैं गठबंधन के प्रत्याशी संजय लाठर को जिताने के लिए। क्या वजह रही उन्हें? गठबंधन में फैसले लेने पड़ते हैं और बड़ा लक्ष्य है। नहीं, आपने पहले बी फार्म दिया, मैं इसलिए सबको कह रहा हूं कि ये हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ का सवाल नहीं है, बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की हमें बनानी है। सैक्रिफाइस मैं भी कर रहा हूँ, कार्यकर्ता भी कर रहा है, कितनी सीट समाजवादी के लोग भी कर रहे हैं। कितनी सीट मथुरा से जीत रहे हैं आप, ये तो जनता तय करेगी। आपने क्या अनुमान? मुझे उम्मीद है कि सहारनपुर से लेकर आगरा तक जो हमारे पार्टी के रंग है, जो गठबंधन के रंग है, वो हावी रहेंगे। आपका केंद्रीय सरकार में है, आज तो नाम भी उनकी
चौधरी। हमारे देश में तानाशाही नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। अब चुनाव का वक्त आ गया, वही लोग आपके बीच आएंगे, आपके आगे झुकेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, कहेंगे कि हम भी किसान है, हम भी गांव से हैं, हम भी चौधरी चरण। लेकिन समस्या ये है कि देश के आधुनिक इतिहास में आजादी के बाद से सबसे बड़ा आंदोलन जन आंदोलन खेला गया वो ही मेरा था। कोई मजबूरी होगी कि किसान 13 महीने से सड़क पे घर परिवार छोड़ के बैठे, महिलाएं बैठी, और जिस तरह से आप यहां आई हो पंजाब से चलकर घर छोड़कर 13 महीने से महिलाओं ने मोर्चा संभाला, और हम भी किसानी करती हैं, हम भी खेत में मेहनत करती हैं, हम भी घर संभालती हैं, और हम भी फैसले ले सकती हैं, हम भी तय कर सकती हैं कि कानून हमारे फायदे का है नुकसान का। उनकी हिम्मत, उनके जज्बे को देखो। और दूसरी तरफ उनकी तरफ जो कहते थे तो मुट्ठी भर किसान है, ये किसान ही नहीं भेड़िए हैं, ये तो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, और फिर आके रुक गए, ये तो जाट है। इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आज की चिंता नहीं, मुझे लंबे समय तक मुझे तो आपके बीच रहना है। मैं नहीं चाहता कि विश्वास कमजोर हो। जितने पुराने लोग बैठे हैं उसी पे चौधरी चरण सिंह जी जो कहा करते थे वो उन पे विश्वास करते थे और आज भी करते हैं। वो विश्वास कभी ठीका ना हो, और इसलिए जो हमने बात की है, जो वादे किए हैं, एक एक वादे में हमने अमल करके उस फैसला किया है। आप हमें दोगे तो पूरी तरीके से आपके जो मान सम्मान की लड़ाई है उसमें हम सब लोग मिलकर योगदान देंगे। इनका हाथ अगर सहमत हो तो मैं आपके बीच खड़ा कर दूं। क्योंकि चुनाव का परिणाम जब खोलेगा 430 सीट पे और गिनती होगी, और अगर हम यहाँ चूक गए आपस के झगड़े को देखकर, तो फिर कानून तो वापस आएंगे ही। लेकिन जिस तरह से 13 महीने एक आंदोलन चला, आने वाले कई सालों तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दिल्ली में झांक के भी देख ले और जनता के सरोकार के मुद्दे वहां उठा ले। पता होना चाहिए जब चौधरी अजीत सिंह जी होते थे संसद में, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, दिल्ली पे आने जाने पे आपकी कभी रोक टोक नहीं होगी। महाराष्ट्र रोड कोठी एक मार्ग पर कोठी थी जिसके दरवाजे खुले रहते हैं, और आंदोलन भी करना हो, सरकार का विरोध भी करना हो, ये आजादी आपके पास थी। लेकिन आज यहां नंदगांव से कोई भाई अगर ट्रैक्टर में बैठ के सोचे कि मैं देश की संसद के बाहर जाऊं और जंतर मंतर पे जाऊं और अकेला जाऊं, तो अकेला उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। बड़ी काबिल बच्ची आई, उसने बात रखी समाज की, मैं सहमत हूं। चौधरी अजीत सिंह जी ने मिल लगाए, इनके 5 साल में आप गिनती कर लो, कहीं चीनी मिल को छोड़ दो, इन्होंने इनसे तो गोलू को नहीं लगाया गया ऊपर। मैं नहीं जानता उस मिल पे कुछ बच रहा है नहीं बच रहा, नहीं मिल लगानी पड़ेगी, वो भी सरकार करेगी। आप हमें ताकत दोगे, सहारनपुर से लेके आगरा तक जो गठबंधन के रंग है, लाल है, हरा है, सफेद है, ये बहुरंगी गठबंधन को, सब समाज के गठबंधन को आप ताकत दोगे, मुझे और दिलीप जी को ताकत दोगे, तो ये चीनी की मिल तो छोटी सी बात है, ये तो पहले ही उसमें बैठो को जोड़ के काम किसान का नुकसान चरण सिंह का नुकसान।
मित्रों 5 साल में पूरे क्षेत्र को नरक बना दिया है, तो ये जो पिछले 5 साल का जो नरक बना है क्षेत्र को उसी की परिणति है जो आज इतनी बड़ी संख्या में वाद दिखाई दे रहा है। मित्रों मैं गांव गांव जा रहा हूँ मीट करने कर रहा हूँ। मैंने इतना पिछले चुनाव में आपके बीच में लड़े मित्रों, लेकिन मैंने कभी इतना उत्साह किसी चुनाव में अपने मेरे सभी साथियों सारे सारे बच्चों मेरी माँ बहने मित्रों इतनी अपार भीड़ के साथ वहां मुझे यहाँ दिखाई दे रहे और मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। मित्रों मुझे अभी तक याद है 1977 का वो चौधरी चरण सिंह का जमाना जब हम लोग उड़ीसा में से देश से छूट के आए थे, आपातकाल खत्म हुआ था, इमरजेंसी खत्म हुई थी, इमरजेंसी खत्म होने के बाद 77 में जो चुनाव हुआ था जो लहर 77 की थी वो लहर आज मुझे दिखाई दे रही है। मित्रों वो लहर आज दिखाई दे रही है, वो लहर 77 की दिखाई दे रही है, तो ये इसमें कोई झूठ और तकमी नहीं है। पिछले 5 साल के बाद साता क्षेत्र से इमरजेंसी खत्म हुई है, उसी की रात की सांस ली है जो आज निकलती कर दिखाई दे रही है। ठाकुर तेजपाल सिंह के समर्थन में आज जनसंघ मांगा और उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं तो ठाकुर तेजपाल सिंह को जिताना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं गठबंधन प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व यहाँ के विधायक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं अपने चुनाव को लेकर। ठाकुर साहब बताएं कैसा चल रहा है चाहता में आपका चुनाव, किन मुद्दों आप जनता के बीच है, क्योंकि क्षेत्र भी आपका अपना पुराना है, जनता भी वही है। देखिए आप खुद देख रहे हो जन सैलाब है, जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है, चुनाव एक तरफा चुनाव है, इसमें मैं क्या कहूँ। सब कोई मुद्दे नहीं कुछ नहीं, वह एक ही मुद्दा है कि जो पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से दबाव की राजनीति हुई है, कोटा परमिट थाने तहसील की राजनीति हुई है, अब जनता उससे ऊब गई है और जनता मुक्त होना चाहती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक तरफा है, तो ऐसा क्या बात हुई जो एक तरफा जा रहा है चुनाव, पिछली बार तो जनता ने आपको नकार दिया। 5 बरस जनता ने झेला इनको, इमरजेंसी खत्म हुई है, यहाँ 5 साल से सताया लोगों को, अब लोग महसूस कर रहे हैं कि हम बेड़ियों को तोड़ के अलग हो गए लोग। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं विकास की गंगा भाई है, जनता को इतना विकास दिया, फ्री में राशन दिया और तमाम रोजगार दिए, फैक्ट्री लगवाई है चाहता में, पेप्सिको फैक्ट्री का उदाहरण देते हैं। माँ झूठे हैं कोई, उन्होंने जो राशन की बात करते हैं, राशन की बात ये है कि वो जो है हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से जा रहा है, GST के माध्यम से जा रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के माध्यम से जा रहा है। इन्होंने तो इतनी बेईमानी और की है कि पैसा जनता के पास राशन है उनका, और उस पर अपने फोटो और छपवा दिए बेईमानी से, तो ये तो बड़े बेईमान है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। वो तो बिजली का कह दिया कि बिजली के बिल किसानों के आधे हो जाएंगे, चुनाव से पहले बाधा है। 5 साल से क्यों नहीं ध्यान आया था इन्हें, जब अखिलेश यादव ने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तब इन्हें ध्यान आया इस बात का, पहले करते तो अब इन पर कौन विश्वास करेगा इस बात का। 5 साल तो मुख्यमंत्री थे तभी कहते इस बात को आधा करने की, अब कौन मानेगा तुम्हारी बात को। छाता सुखो मेल के लिए भी वो अनुपूरक बजट लाए, वो अनुपूरक बजट एक पैसा आवंटित नहीं हुआ छाता, ये झूठ बोलते हैं, अनुपूरक बजट कोई नहीं है, छाता को कोई भी रत्ती भर भी एक पैसा नहीं हुआ है आवंटित, ना छाता मिल चलेगी इनके रहते हुए, अगर चाहते तो दो दो बार मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं,
प्रतिनिधि ने खुद मांग नहीं की, जो यहाँ का प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री भी है उसने एक बार भी मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा नहीं रखा कि छात्र सुगर मिल को चलाया जाए, तो इनकी नीयत ठीक नहीं है, नहीं चलाई। जनता आपको फिर दोबारा से अपना आशीर्वाद देती है, तो प्राथमिकता पे क्या आप कह रहेंगे मुद्दे जिनको तत्काल जनता की जो मांग है लंबे समय से उनको पूरा कराएंगे? देखिए सबसे पहले तो हमारा वो शुगर मिल का ही मुद्दा है, हम चाहेंगे शुगर मिल हमारे यहाँ चालू हो जाए। दूसरा मुद्दा हमारा जो नौजवान बच्चे हैं उनको नौकरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और हम ये भी चाहते हैं कि जैसे हमने एक जब सिंचाई मंत्री थे तो एक योजना शुरू की थी चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना, चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना में हमने जो है यहाँ जो नागारा कैनाल में पानी आ रहा है बहुत गंदा ये गंदगी है वहाँ की दिल्ली की, हमने गंगा का पानी लेके आए थे 51,500 क्यूसेक गंगा का पानी हम जानी स्केप से लाए थे और ओखला पे डाला था, ओखला से सीधी सिंचाई नहर से होती थी, साफ पानी मिलता था, तो उस योजना को हम फिर लागू करेंगे। वो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि इतना गंदा पानी है, फसल ख़राब हो रही है, सेहत ख़राब हो रही है, ज़मीन ख़राब हो रही है, तो ये भी हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपके मंच से एक बालिका ने भी एक बात कही है, और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या KNBG रोड, कोसी नंदगांव बरसाना रोड और अरसे से खराब पड़ा है, तो उसको लेकर देखिए हमारी सरकार की नीयत साफ है। अखिलेश सरकार में KNBG को 6 लेन कराने के लिए बजट पास हुआ था, काम शुरू हो गया था, उधर देखा होगा उन्होंने पल गोवर्धन 2016 में काम शुरू हो गया था, जब ये सरकार आ गई इसने वो काम बंद करा दिया, इनकी नीयत ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं अपने यहाँ बरसाने में रोपवे बना, आपके यहाँ रोपवे बनने के बाद भी जो कंप्लीट है लेकिन उसको चालू नहीं कराया क्योंकि इस पर अखिलेश की मोहर लग रही है, तो ये खुद कुछ करेंगे नहीं, किसी ने किया है उसको भी मानेंगे नहीं, तो इनकी तो ये तो झूठे लोग हैं। ठाकुर तेजपाल सिंह बड़े इरादे के साथ उन्होंने कह दिया कि ये सपा गठबंधन और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन सरकार आती है तो जो वादे उन्होंने किए हैं और जो पूर्व के उनके काम हैं उनको पूरा कराएंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा पर प्रहार किया है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता के साथ छलावा किया गया है, झूठे वादे किए गए, कोई कार्य उनके द्वारा नहीं कराए गए, लेकिन जब चुनाव आए तो वो चाहे बिजली की बात हो या छाता शुगर मिल की बात हो जनता को झूठे वादे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उनका इस बार छाता क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव आज उनके साथ उमड़े जन सैलाब में दिखाई दे रहा है। अब देखना यह कि आने वाली 10 तारीख को यह सैलाब कितना मतों के रूप में बदलता है, और जब 10 मार्च को छाता विधानसभा का जब परिणाम आएगा तो वो कितना राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के पक्ष में आता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अपनी जीत को लेकर ठाकुर तेजपाल सिंह पूरी तरह से और अपने एक सुनिश्चित दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत होगी। जी 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।